तो ना सीएनजी फुल करवा लिया, प्रेशर नहीं था तो इस वजह से आई नहीं। बिना 8:53 हो गए, हमें बहुत देर हो गया, आधे घंटे से तो ऊपर हो गया हमें गाड़ी में बैठे हुए। हाँ भाई ठीक है, चिल है एक नंबर भाई, 20 पे कर दिया था पर 0.3 ही है टेम्परेचर सीएनजी का, ये इसमें आ रहा है कितनी है। और आवाज से हिसाब से बाहर तो गर्मी लगी रही है, काफ़ी हैवी है इसका, ये भी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया है, पता नहीं चलता अंदर बैठ के कि। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो ना मैं अभी ना थोड़ी देर में ना गाड़ी बैठे हुए थे, हम सारे दोस्त हैं तो मिलवाऊंगा उनसे थोड़ी देर में, तो मैंने देखा कि ना वेस्ट हो जाती है ना सीएनजी, कितनी गाड़ी खड़ी, मैंने आपको दिखा देते कि ट्रैवल करते तब कितना वेस्ट होती है गाड़ी, कितनी मतलब सीएनजी एवरेज देती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी खड़ी गाड़ी में कितनी एवरेज देती है। अभी हमने सीएनजी करवा लिया, फुल 75 चल रही है यहाँ पे सीएनजी, तो ये भी ट्रक भी सीएनजी करवा के जा रहा है, तो अभी मैं दिखाऊंगा फुल हो गई है। और कितनी देर हम ना एक घंटा बैठे हैं कम से कम गाड़ी में सीएनजी चला के एसी टेम्परेचर सेट करके, तो आपको दिखाऊंगा कि कितनी सीएनजी इसने हुई और अभी कितनी सीएनजी सिलेंडर में आई और कितनी गैस बची हुई थी वो घूम रहे हैं। तो सीएनजी यहाँ पे भर चुकी है, प्रेशर तो है नहीं सही, बट देखते हैं अभी कितनी सीएनजी आती है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी उसने सीएनजी ली और कैसे कैसे हुआ। तो अभी चलो शुरू करते हैं ब्लॉग, एंड तक ज़रूर देखना कि कितनी सीएनजी के डंडे एक घंटे में गए कितना कन्वर्ट हुआ। तो ना सीएनजी डल रही है, अभी 4 किलो आ चुकी है, 75.61 चल रही है सीएनजी इस टाइम, तो देखते हैं कितनी आती है, 4 डंडे इसमें पहले थे ही, बाकी देखते हैं कितनी आती है। अभी लाइन लगी हुई यहाँ पे सीएनजी की और अपने घर से ज़्यादा दूर है नहीं है, तो देखते हैं पास में खड़ी कर लेंगे और बैठ जाएंगे। कितनी आ गई, 5 किलो आ गई है। तो ना सीएनजी फुल करवा लिया, प्रेशर नहीं था तो इस वजह से आई नहीं पूरा डंडा, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ 0 पे कर दिया और एसी चला दिया, अभी तो 19 पे कर रखा है, जो कम कर देते थोड़ा 3 पे कर देते हैं डंडे, वो देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:14 से शुरू करते हैं, 3:14 हो रहे हैं तो 4:14 तक देखते हैं बैठते हैं, फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे हुआ, कितने डंडे गए एक घंटे में। अभी खड़ी कर देते हैं आकरे जाके थोड़ी देर। सो भाई हम ना अभी टेम्परेचर सेट कर दिया, हमने रोक लिया गाड़ी, 2 मिनट हो गया और यहाँ पर रोक लिया हमने, बस कितनी चलाई है 500 मीटर चलाई बस हमने। सो अभी ये अपने दोस्त राजेश, हाय करते हैं भाई ब्लॉगर्स को, कमेंट आप देखते होंगे, सबके कमेंट देखते होंगे ये करता है, और अपना शुभम। सो हम तीनों गाड़ी में, तीनों जने गाड़ी में, पीछे इसके पीछे भी एसी है, इसके पीछे भी एसी वेंट्स हैं, तो पीछे भी एसी वेंट्स है तो इसको दिक्कत नहीं होगी, पीछे भी एसी वेंट्स लगे होने के, स्पीड इसने अपने मुंह की साइड एडजस्ट करके, ठीक है कंफर्टेबल है ना, ठीक है तूने आगे करके पूरा भी कंफर्टेबल है, बैठ जाओ आराम से फैल जाओ। सो अभी अब दिखाते हैं हम, गाड़ी चालू है हमारी 19 पर सेट कर रखा हमने टेम्परेचर, 3 डंडे कर रखे हैं, अब देखते हैं कितना चलती है। तो ना जैसे कि ना पिछले वाला ब्लॉग देखा होगा कि ना सिटी में कितनी एवरेज दी थी इसने, तो ना मैं अभी सिटी में चलाता हूँ इसको, अभी ना ज़्यादातर तो मैं इसकी एवरेज दिखाता हूँ आपको कि कितना, देखो 17 दिखा रहा है अभी भी मीटर में ना, तो मतलब कि ना गर्मियों में ना मतलब कि एसी चलता रहता है, मतलब कि 1 लेवल 2 लेवल पर इतनी गर्मी होती है, तो सर्दियों में इसकी एवरेज ठीक रहती है, चाहे कम एसी चलता है बट एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है इसकी सर्दियों में, पर गर्मियों में इसका 120 130 हर किसी की गाड़ी में ये चल रहा है। और अभी हमने फुल कराई, इसके 4 डंडे थे, फुल कराई है, 417 में फुल हो गई है, 5.5 किलो गैस आई है, तो अभी देखते हैं कि फिर दोबारा कितने पैसे में फुल करानी पड़ती है, कितने डंडे नीचे डाउन होते हैं घंटे बाद। तो और अभी टाइम हो गया 24 हो गए, हमें 10 मिनट हो गए बैठे बैठे गाड़ी में, तो आगे देखते हैं आपको कि कितने देर में कितना डंडा जाएगा। बिना 8:53 हो गए, हमें बहुत देर हो गया, आधे घंटे से तो ऊपर हो गया हमें गाड़ी में बैठे हुए। हाँ भाई ठीक है, चिल है एक नंबर भाई, 20 पे कर दिया था पर 0.3 ही है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया पर 20 पे कर रखा। हाँ भाई चिल मोड, बाकी राज्य बताएंगे हमारे भाई कैसे चल रही है, एक नंबर एसी, एक नंबर ठीक है भाई, पूरा कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल तो है ना भाई, बाकी पीछे बता देगा, तूने पीछे करके पूरी सीट पूरी नहीं कर रखी, पूरी करियो एक बार, पूरी करियो पीछे करियो पूरी सीट दियो भाई, पूरी ठीक है पीछे कर ले, मैंने तो आगे कर रखी है, लेट गया भाई अपना, तेरे को ठीक है स्पेस पता, स्पेस कैसा है, सही है, उधर तो है नहीं, उधर तो नहीं मतलब इधर तो पीछे करवाई है, जान के करवाई है पीछे, तो मेरे में तो ठीक है, मैंने भाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है पूरी एकदम 5-8 हाइट के हिसाब से, ठीक है बिल्कुल एकदम बढ़िया, और 54 हो गए हैं। और अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर इसका सही चल रहा है और मीटर में दिखा रहा है 41, देख लो 41 दिखा रहा है, बाहर कितनी गर्मी है ये देख लो आप, और एक भी डंडा नीचे नहीं गया, ये दलवाया था, प्रेशर नहीं था जैसे नहीं था, अभी एक भी नीचे नहीं गया, तो ये बढ़िया बात है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि ये मतलब एसी चलने पे कितनी आवाज़ करती है सीएनजी गाड़ी, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं, अंदर बैठ के तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आता, पर बाहर निकल के देखो
1.2 लीटर इंजन है इसका, बैटरी लगी हुई है, थोड़ा गंदा हो रहा है, पर देख लो कितनी आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हो, मेरे हिल भी रही है, और सीएनजी लगी हुई है किट इसमें, सीएनजी का ये रहा प्रेशर, कितना प्रेशर है सीएनजी का ये रहा इसमें आ रहा है कितनी है, और आवाज़ के हिसाब से बाहर तो गर्मी लगी रही है, काफ़ी हैवी है इसका, ये भी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया है, पता नहीं चलता अंदर बैठ के कितना वो है, पर बाहर मैं आपको सुनाना चाहता था कि साउंड ऐसे है इसके आपको पता चल जाए, बैठे हुए बंदे अंदर पता नहीं चल रहा इतना, और सही खड़ी कर रखी हमने गाड़ी, खाली रोड है पूरा सीएनजी पंप के पास ही, 4:13 हो गए, 3:14 पे शुरू किया था और सिर्फ एक डंडा गया है, तो अभी वापस जाएंगे हम, भरवाएंगे और दिखाएंगे आपको कितनी हमें एक घंटे में कितनी सीएनजी वेस्ट करी है राजा बाबू ने हमारे, एकदम पैर पसार के लेटे पड़े, देखेंगे एक घंटे में कितनी इसने दी है, 17 की एवरेज दिखा रहा है सिटी में, देखते हैं वापस जाके 100 रुपये की तो मैक्स टू मैक्स आई जाएगी, बाकी देखते हैं कितनी की आती है, प्रेशर के हिसाब से डिपेंड करता है वो, तो वापस आ गया सीएनजी पंप पे, अब देखते हैं कितने की आती है इसमें सीएनजी, मेरे हिसाब से 100 से ऊपर की आनी नहीं चाहिए, इतना तो हमने यूज़ नहीं किया, 91 की आई है इसमें 1 किलो, बाकी आगे 2.1 पूरी फुल हो गई है, तो 90 रुपये करने हैं बस हमें, तो 90 रुपये हमने खर्च कर दिए एक घंटे में, तो भाई आपने देख लिया कि 90 रुपये की सीएनजी हमने वेस्ट कर दी खड़े खड़े में, भाई साहब ने 1 किलो सीएनजी फूंक दिया, 1 किलो थोड़ा ऊपर ही आ गई थी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये तो करेगा कमेंट्स का तो बोलने की, जितने पीछे बैठे वो भी करेगा, हाँ भाई ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से जल्दी, और कमेंट करें सब्सक्राइब करना मत भूलना।